चलो गाइस, आज हम लोग बात करते हैं कि हमें क्या करना है। हमें एफएक्स सोइल के बारे में थोड़ा सा बात करना है। क्या एफएक्स सोइल होता है क्या? ठीक है, तो एफएक्स सोइल में जैसे आप इमेज ही देखो तो इमेज में दिखा रहेगा जैसे स्मोक फायर एंड ऑल दोस थिंग, काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। क्या करें, मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ अब इनके नाम भी होते हैं, जैसे कैरेक्टर मॉडलिंग में अलग अलग नाम होते हैं ना। तो जैसे फ्लेम थ्रोअर हो गया, ठीक है, बोन फायर हो गया, यहाँ पे एक्सप्लोजन हो गया। किस टाइप से आपका एक्सप्लोजन है, किस टाइप से चीज़ को दिखा पा रहे हो, ये सारा पार्ट आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। वाटर का पार्ट, वाटर को किस टाइप से आप चीज़ों का मैनेज कर पा रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे दिखा रहे हो तो आपको बस टाइप ऑफ फायर के बारे में पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका स्मोक कब वाइट होता है और कब ब्लैक होता है। तो फिर से आप फिजिक्स के थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स जो आप लोगों ने कभी साइंस वाइंस पढ़ा होगा ना, तो उसमें आपको फिर से आना पड़ेगा। वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड होगा कि आप यहाँ पे कुछ काम करो तो आपको चीज़ें क्या है, किस टाइप से चीज़ों को दिखा सकते हो। यहाँ पे जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ काम करो तो पार्टिकल्स का ट्रेल कैसे बन रहा है और ट्रेल्स बन रहा है। अगर आप देखोगे तो जैसे डिज्नी का जब भी स्टार्ट होता है उसके पीछे ऐसे ट्रेल्स बन के आते हैं, तो वो किस टाइप से काम कर रहे हैं। माया के अंदर आपको पार्टिकल्स बहुत ही स्ट्रांग आपका कमांड होना चाहिए। और इसके साथ अगर आपको बताऊँ तो थोड़ा सा बेसिक्स के अंदर आपको मैं बताऊँ तो बेसिक्स में भी थोड़ा सा अगर आप एफएक्स के साथ आप अगर काम करते हो, कुछ मैंने चीज़ें डाल रखी है, बहुत ज़्यादा डिटेल पे तो नहीं डाला, लेकिन हाँ एफएक्स में ट्यूटोरियल लिमिटेड ही डालता हूँ। जब लगता है जिसको काम है तो मैं उसे पर्सनली क्लासेस दे देता हूँ, लेकिन जो बेसिक करिकुलम होता है उसके अकॉर्डिंग मैं दिखा देता हूँ। जैसे देखो शॉकवेव है, शॉकवेव के साथ यहाँ पे देखिएगा तो आपका ये पार्ट है, वाटर का पार्ट है, तो आपका स्मोक का पार्ट है, क्लॉथ का पार्ट है, पार्टिकल्स के साथ कैसे प्ले कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सबको ना एक प्रेजेंटेशन के साथ देना है। अभी ये क्या क्लासेस है, तो क्लासेस में मैंने नॉर्मल बता रखा है, लेकिन आप प्रेजेंटेशन पे आप काम करो तो कैसे काम करने वाले हो। ठीक है, अभी एक्सप्लोजन में आते हैं। एक्सप्लोजन को आपको ऐसे दिखाना है कि आपका फुल एंड फाइनल आउटपुट ऐसा हो जो भी आपका मूवीज़ में काम होता है। मूवीज़ में रिसेंटली देखो ना, कई मूवीज़ में आपको ऐसे सीन दिखा रहे हैं कि भाई ऐसा एक्सप्लोजन आपको करना चाहिए। ये देखो, जैसे आपको सिंपल पार्टिकल के साथ कैसे आपने प्ले कर रखा है, फायर ऑल दो थिंग, यहाँ पे कई चीज़ आपको देखेंगे। जैसे यहाँ पे एनिमेटेड ट्री एंड ऑल दो थिंग है, वो कैसे काम करना है, तो उन सब चीज़ों पर आपको थोड़ा सा देख के काम करना है कि आपको वराइटीज़ देनी पड़ेगी। एफएक्स में सिर्फ ये नहीं कि आपने सिर्फ आप चीज़ों को दिखाओ, तोड़ते फोड़ते दिखाओ, ठीक है, स्मोक फायर एंड ऑल दो थिंग, वो सब कुछ आप दिखाओगे तो थोड़ा आइडिया मिलेगा कि कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो आपको कुछ काम होने वाला है, चलो इसके एक दो मैं वीडियो रेफरेंस आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, इसमें देखो यहाँ पे कैरेक्टर के साथ हम यहाँ पे लेकिन फर भी दे रखा है, तो फर वाला जो काम है वो आपको एफएक्स आर्टिस्ट को ही मिलता है। इसी में एक सेपरेट कैटेगरी आती है, दैट इज कॉल्ड सीएफएक्स। सीएफएक्स का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर एफएक्स आता है। जितने भी आप टीवी में आप शैम्पू का एड देखते हो ना, वो सारे ऐड बहुत ही कॉस्टली बनते हैं और सारे सीएफएक्स में ही बनते हैं। कोई अपने बालों पे इतना रिसर्च नहीं करवाता कि भाई मेरे बाल में ग्लो दिखे, ऐसा दिखे, वो असली के बाल नहीं होते हैं। आप लोगों को पता भी नहीं होगा, वो सब ऐसा लगता है। अभी तक कितने लोगों को नहीं पता होगा कि वो बाल उनके असली हैं कि नकली हैं, सारे नकली बाल होते हैं। सारे नकली बाल में दिखाते हैं ऐसे फ्लो जा रहा है, वो जा रहा है, सबसे ज़्यादा और सबसे महंगा ऐड होता है सब। ठीक है, तो सी एफ एक्स का पार्ट यहाँ पर होगा। अगर आप दिखा रहे हो कि भाई किस टाइप की चीज़ को दिखा रहे हो, तो इसमें देखो कैरेक्टर मॉडलिंग का काम कैरेक्टर मॉडलर ने कर दिया, हेयर फॉर का काम एफएक्स आर्टिस्ट करेगा। नीचे स्मोक दिख रहे हैं यहाँ पे, ये एफएक्स वाला काम है। तो सब कुछ मिलके होता है, और बड़े बड़े स्टूडियो में सब कुछ सेपरेट कैटेगरी में होता है। एफएक्स वाला एफएक्स का ही काम करने वाला है, उसके सिवा कोई और काम नहीं करने वाला है यहाँ पे। देखना यहाँ पे, नहीं देखो हेयर फॉर भी सब कुछ देखेगा आपको यहाँ पे। देखो ये मॉडल बन गया, अब मॉडलिंग में कितना स्कल्पिंग वाला काम किया है कैरेक्टर मॉडलर ने, फ्लो दे दिया। उसके बाद का जो काम होगा वो सारा काम कौन कर रहा है, हेयर फॉर का काम कौन कर रहा है, एफएक्स आर्टिस्ट। वो कैसे अलग अलग फर दिख रहे हैं, वो चीज़ें डिपेंड करता है कि भाई किस टाइप से आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, किस टाइप से आप चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रियल हेयर फॉर में अगर आप दिखाओगे तो आप रियल हेयर फॉर में कैसे दिखा सकते हो वो चीज़ें। देखो यहाँ पे देखिए क्लॉथ वाला पार्ट भी दे रहे हैं यहाँ पे। अभी ऐसी चीज़ें होगी क्या, क्लॉथ मैनेज कर दिया, देन दिखा दिया भाई इसको ऐसे मैनेज करके दिखा दिया यहाँ पे, क्राउड ऑल दोस थिंग, क्राउड कैसे बढ़ रहा है यहाँ पे। एफएक्स के अंदर सारे पार्ट आ जाएंगे, भाई अगर मुझे ऐसा कुछ काम करना तो इस टाइप की चीज़ों को मुझे फुलफिल करना पड़ेगा, भाई मैं किस टाइप से काम कर रहा हूँ, कैसे चीज़ों को ऐड ऑन करके दिखा रहा है। देखो तो आपके पास कुछ इस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए जहाँ पे आपको लगेगा भाई मुझे एफएक्स के साथ कैसे क्या काम कर रहा है, यहाँ पे कैरेक्टर कैसे डाल रखा है यहाँ पे। तो ये सारे काम आपका एफएक्स में आएंगे, इसके सिवा भी बहुत से हेयर फॉर एंड ऑल दो थिंग सब कुछ इसमें इंक्लूड होने वाला है। तो उसको आप देखोगे और आपका यहाँ पे थोड़ा सा पोर्टफोलियो बनाओगे तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा देखिएगा। उसमें आपको दिखाना है जो भी रिलेटेड मूवीज़ आ रही हैं अपडेटेड, उनमें से देखो कि किस में क्या काम कर सकते हो, क्या उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें कॉपी करो। जैसे हम लोगों ने अभी
कुछ VFX शॉट बनाए, उसमें भी देखोगे जैसे बैट वाला हम लोगों ने कर रखा है यहाँ पे, तो भी आपको लाइक आइडिया मिल जाएगा। क्या अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, कुछ कुछ शॉट्स ऐसे भी हैं, ठीक है। ठीक है, सॉरी गाइस, जैसे आदिपुर वाला शॉट किया हम लोग ने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करें इसके अंदर जैसे बैट वाला जो सीन है वो सब इंस्टेंस के साथ प्ले करेगा, तो कैसे क्राउड के साथ कैसे क्या काम करना है वैसा कुछ काम करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। यहाँ पे जैसे थॉर वाले शॉट पे काम किया है, ठीक है, तो वहाँ पे कैसे हम लोग काम करें, यहाँ पे ब्लैक आयरन वाले शॉट पे काम किया तो कैसे काम करें, ब्रह्मास्त्र वाले शॉट पे काम किया तो कैसे करें, तो ये सब चीज़ क्या है कंप्लीट पार्ट इंक्लूड हो जाता है। ये पार्ट अगर आप कर रहे तो आपको चीज़ों कैसे दिखाना है, सिर्फ छोटे छोटे पार्ट मत दिखाना, उसके बाद थोड़ा सा चीज़ों को दिखाओ कि कैसे आप क्या काम कर सकते हो, तो चीज़ें थोड़ा सा फुलफिल करके दिखा सकते हैं। इसके बाद आप सेकेंडरी सॉफ्टवेयर को भी ऐड ऑन कर सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ माया पे काम करो, माया है आपका एफर्ट भी बहुत अच्छा है, माया के साथ आपके कई प्लगइन भी आ जाते हैं, जैसे आपका हुडनी भी अच्छा है, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं एक दो सॉफ्टवेयर और भी हैं इसके साथ जो इंक्लूडेड बहुत अच्छे काम करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपका फीम एफेक्स हो गया, रे फायर हो गया, ठीक है, रियल फ्लो हो गया वाटर के लिए, तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ आपको साइड बाई साइड आपको कवर करना पड़ेगा कि हाँ मैं एफेक्स में सब काम करा तो मेरे पास ये सारे काम हो सकते हैं, सब कुछ इंक्लूडेड माया में ही नहीं होगा, इसके सिवा भी एक्स्ट्रा प्लगइन को आपको टच करना पड़ेगा, तब जाके आप एफेक्स का सॉइल बना सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है।